सुनो का है इस समय से मेरे का खात हो जहर खात थी तो से मतलब हमसे कोनो मतलब नहीं जोन खाए के खाओ लेकिन ब्रश करके खाओ नहीं तो बेलन मार के दांत तोड़ दे। मुरली भैया ये बताओ तुमको खाने से मुंह से बदबू इतना क्यों देता है? अरे तो तुम कौन सा दूध के धोए हुए हो? तू भी तो आँख से आंसू नाक से पोटा निकाल देता है, बिन मौसम का सर्दी हो जाता है। करता दरोगा साहब रिपोर्ट लिखवानी है। किस चीज की रिपोर्ट लिखवानी है? चोरी की। क्या चोरी हुआ है? दरोगा साहब मेरी नींद और मेरा चैन चोरी हो गया है। ए मजनू की औलाद दो लप्पड़ पड़ेगा सारी आशिकी बाहर आ जाएगी, पुलिस वाले का टाइम खराब। अरे सेब भैया इस बार दुर्गा पूजा में नहीं जाना है क्या? हम नहीं जाएंगे इस बार भाई, नहीं जाएंगे। अरे क्या बताए नींबू भैया, नारियल चाचा को तो सब उठा उठा के पटकता है और केला भैया को लंगा करके खाता है और हमको तो यार चाकू से भुजरी भुजरी करके छोटा छोटा टुकड़ा कर देता है। अरे तुम हम लोगों को तो फिर भी ठीक है, मेरा तो खाल उतार के फाड़ फाड़ के खाता है। अरे बेटा ऐसे मुंह लटका कर कहे बैठे हो? बहुत जोर से भूख लगा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो कुछ बना कर खा लो ना। वही सोच रहे हैं पेट को भरने के लिए खाना खाएं या गैस भराएं। साला पूरा इज्जत बर्बाद हो गया। क्या हो गया गिलास भैया? अरे जो भी आता है साला चुमा लेकर चला जाता है। अरे तुम तो फिर भी ठीक हो, हमको तो पूरा मुँह में घुसेर लेता है और दिन में जाकर उल्टी करना पड़ता है। बेटा बताओ बिजली कहाँ से आती है? मैडम जी मेरे मामा के घर से। वो कैसे? वो जब भी लाइट भागती है ना तो पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली काट दी। सुना हो का है? सब्जी का बनाई काल पत्ता गोभी लाए रहे वही बनाओ ना। वो तो एकदम बेकार रही, हम फेंक दिए। ओके का बात कर रहा था, वो हम तो छाट के एकदम बढ़िया वाली पत्ता गोभी लाए रहे। का छाट के लाए हैं? छिलकवे छिलकवा रहा फूल। ओके हम छिलते गए, अंदर से कुछ निकलवे नहीं किया, हम उठा के फेंक दिए। अरे वकील साहब मुझे बचा लीजिए। क्या हो गया भाई? वकील साहब मेरे ऊपर हत्या का आरोप है, मुझे बचा लीजिए। बचा तो मैं लूंगा लेकिन मेरी फीस पूरे 50,000 रुपए है, दे पाओगे? अरे वकील साहब मुझे कैसे भी बचा लीजिए, मैं आपको पूरे 2,00,000 रुपए दूंगा। ठीक है, अदालत में कुछ भी पूछा जाए उसके जवाब में बे बोलना। क्या बोलोगे? बे। बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम क्या है? बे। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बे। कहाँ रहते हो? बे। ये बे क्या लगा रखा है? बे। जज साहब मेरा मुवक्किल दिमागी रूप से कमजोर है, उसने कोई हत्या नहीं की है, उसे झूठे केस में फंसाया गया है। तमाम गवाहों सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम आलू बेकसूर है, इसलिए अदालत आलू को बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। वाह भाई क्या एक्टिंग की तुमने, मजा ही आ गया। लाओ मेरी फीस 2,00,000 रुपए दे दो। बे? अरे यार मैंने ही तुम्हें बे करना सिखाया और तुम मुझे ही बे कर रहे हो। बे? रात को 1 बजे कहाँ जा रहे हो? मैं शराब पीने के दुष्प्रभाव पर भाषण सुनने जा रहा हूँ। इतनी रात को तुम्हें भाषण कौन देगा? मेरी बीबी। हेलो कहाँ हो? याद है पिछली दीपावली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे जहाँ तुम्हें एक हार भी पसंद आ गया था? हाँ याद आया। और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। हाँ हाँ याद है। और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन में तुम्हें लेके दूंगा। हाँ हाँ बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊंगा। सुनो। सुनाओ जाने मन। कुछ जरूरी बात कहनी है। तो कहो ना डार्लिंग। सबके सामने कहने में शर्म आती है। अरे इसमें शर्माना क्या, यहाँ तो सारे अपने दोस्त हैं। अच्छा कान पास लाओ, कान में बताऊंगी। ए यार तुम लड़कियों को नखरे भी ना। ये लो अब बोलो जाने मन। तुम्हारी पैंट पीछे से फटी है।